बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और खुश आबाद होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, तो आज हम लोगों ने चौथा रोजा रखा हुआ है, तो जुमे के दिन रोजा रखना चाहिए, जो नहीं रखते स्वाब होता है, ज्यादा से ज्यादा स्वाब मिलता है। तो चले आज इसी के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हम लोगों ने कीमा लिया हुआ फ्रेश 3 पाव, तो इसके हम लोग सीख कबाब बनाएंगे। आप देख लें फ्रेश कीमा है मेरे पास, 3 पाव कीमा है, ये सीख कबाब बनाएंगे हम लोग सीखों के बगैर। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल जाएगा, तो शुरू करते हैं हम लोग। चले जी, एक हम लोगों ने इसमें अंडा डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखें एक मैंने इसके अंदर अंडा डालना है। बिस्मिल्लाह, आपकी मर्जी, आप दो भी डाल लें या ना डालें वो आपकी मर्जी है। और नमक थोड़ा हसबे जायका रखेंगे हम लोग, 1.5 चम्मच के करीब हमारा नमक जाएगा जी। तो ये चाट मसाला भी डालेंगे हम लोग 1 चम्मच के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तो कुटी हुई लाल मिर्च है, ये तो इसके बगैर तो कबाब अच्छे भी नहीं लगेंगे। 2 चम्मच हम लोगों ने ये डालनी है, 2 चम्मच ही है। ये हमारा मिक्स मसाला और हल्दी है, ये भी जाएगा इसमें, 2 चम्मच है। और ये मेथी है, इसको मैं थोड़ा क्रश करके डालूंगी, ये भी 1.5 से 2 चम्मच ही है, 1.5 चम्मच समझ लें आप। इसको थोड़ा क्रश करेंगे हाथ से, फिर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और ये धनिया है साबुत और जीरा, इसके बगैर भी आप लोगों को पता है कबाब वगैरह नहीं अच्छे लगते, जब तक बीच में धनिया ना हो कबाब अच्छे नहीं लगते। आप समझते ही, आप लोग बनाते ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ऐसे ही डालेंगे साबुत, इसको नहीं, हम लोगों ने दरदरा नहीं करना, कुछ नहीं करना, साबुत डालेंगे, ये साबुत अच्छे लगते हैं। चलें जी, अभी एक मैंने प्याज ली है मीडियम साइज की, उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों ने चॉप कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पूरा हम लोग इसी में डालेंगे। आप देख सकते हैं पूरी मैंने प्याज इसमें डाल दी है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 चम्मच है, ये भी हम लोग पूरा डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने कबाब बड़े मजेदार बनाने हैं, सीख कबाब। और 1/2 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर डालना है, थोड़ा ना हो जाए ना मिर्चें, हमें ज्यादा स्पाइसी चाहिए थोड़े। तो ये सुर्ख मिर्च है, जैसे शिमला मिर्च होती है ना, ये सुर्ख मिर्च कलर के लिए है, ये तेज नहीं है, सादी मिर्च है, ये कड़वी नहीं है। जी नागरी, तो एक हमारा ये धनिया है, ये मैं ज्यादा डालूंगी, थोड़ा ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा लगता है इसमें। ये 4 से 5 चम्मच होंगे धनिया के, ये हम लोगों ने डाल लिया इसमें। और थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे हम लोग, सारे आपको मटेरियल मैं बता रही हूँ। 1/2 चाय वाली चम्मच अजवाइन की हम लोगों ने डालनी है, इसको थोड़ा सा हम लोग मसल लेंगे, तो ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी नाज़रीन, तो थोड़ा सा मैं इसमें खट्टा नमक भी शामिल करूंगी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप लेमन वगैरह डालते हैं, तो हम लोग खट्टा नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, आप देख सकते हैं। बस चलिए जी, ये हमारे मसाले पूरे हो गए, तो हम लोग अब हाथ के साथ इसको अच्छा सा मैश करेंगे। जी नाजरीन, तो देखें अभी हम लोग सारे मसाले अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह, देख सकते हैं आप मसाले मैंने सारे अच्छे से डाल लिए, अब उसमें अच्छे तरीके से हम लोग थोड़ा हाथ से मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप लोग बाजार जाते हैं, आप लोगों को पसंद है सीख कबाब, तो आप घर में बना सकते हैं ऐसे ही, सारे मसाले आपको पता यही है, और बनाने का थोड़ा उनका तरीका अलग है, लेकिन घर में हम लोग अच्छे बना सकते हैं बाजार से, बड़ी आसान और बड़े
मजे के सीख को आप बनाएंगे हम लोग सीखों के बगैर। आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक अदद अंडा डाला है, आप चाहें तो ज्यादा डाल सकते हैं लेकिन आपकी मर्जी है। वो देखें आप, धनिया हम लोगों ने ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि धनिया बहुत अच्छा लगता है, और ये जो रेड मिर्च है इसकी लुक देख लें आप कितनी अच्छी लग रही है। जरूरत तो नहीं है, ये फीकी मिर्च होती है, जो मोटी वाली लाल मिर्चें होती है ना, ये वो है, फीकी है, ये तेज नहीं है। तो आप लोग ये खूबसूरती के लिए इसमें डाल सकते हैं। हमारा देखें मसाला माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। अब हम लोग ऐसे ही इसको मिक्स कर लें सारा, फिर आपको बाद में दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो देखें ये हमारा अच्छा सा तैयार हो गया मसाला इसका सारा। कीमे में हम लोगों ने सारे मसाले अच्छे से मैश कर लिए। अब 5 मिनट तक हम इसको रेस्ट दे देंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमारा अच्छा और अच्छा मजीद तैयार हो जाएगा ये। फिर आपको 5 मिनट बाद दोबारा दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो देखें हम लोग वापस आ चुके हैं। इसको हम लोग ग्रीस करेंगे। इसमें हम लोगों ने कबाब अपने बना बना के रखने, तो इसको ऑयल से हम लोग थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ना, ऑयल से ग्रीस करके इसमें फिर हम लोग कबाब बना बना के रखते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। आप देखें ऐसे हम लोगों ने ग्रीस कर लेना ताकि हमारे कबाब इसके साथ चिपके नहीं। आप लोगों को रमजान मुबारक हो बहुत बहुत, तो इंशाल्लाह रोजे पूरे रखें सब लोग, हमारे घर में भी पूरे रोजे रखते हैं सब लोग, तो आप भी प्लीज रखें। चलें जी, मैंने अब इसको ग्रीस कर लिया है, तो इसको हम लोग करेंगे साइड पे क्योंकि दोबारा हमें ऑयल लगाने की भी जरूरत है हाथों पे। ऐसे थोड़ा सा ऑयल आप लोग हाथ पे लगा लें। तो ये मैंने एक बना के रखा हुआ है कबाब, ऐसे ही हम लोग सारे कबाब अपने बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ऐसे आप ले लें मुट्ठी में कबाब अपना, मसाला इसका मुट्ठी में ले लें पूरा। तो बहुत आसान रेसिपी है ये, थोड़ा कम है और डालेंगे इसमें, जैसे आपने बनाने हैं लंबे या छोटे वो आप लोगों की मर्जी है। जी तो टिक्कियां भी बना सकते हैं आप, तो इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद है आप वो बना सकते हैं, घर में ही बनाया करें, मैं तो कहती हूँ सब कुछ। जी नाजरीन, तो देखें आप हम लोगों ने ऐसे सीख के बगैर ये कबाब बनाने, तो ऐसे हम लोग ये सारे बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया, कितनी अच्छी शेप आ गई है, आप देख सकते हैं। इधर से थोड़ा हम लोग इसको बैंड कर देंगे अंदर की तरफ ताकि हमारा कबाब अच्छा सा बन जाए। आप देख सकते हैं सीख के बगैर ये हम लोग फ्राई भी इधर ही करेंगे चूल्हे पे। मैं सारे ऐसे बना लूं फिर आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स देख लें आप, कबाब हम लोगों ने ऐसे बना लिए हैं थोड़े स्टाइल से। तो हम अब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, देख लें आप ऑयल हम लोगों ने ऐसे ऐसे ऊपर लगा लेना, चाहे हाथ से भी बनाए ना आप लोग, तो ऑयल तो लगना ही है, चाहे हाथ से बनाए सीख से बनाए ऑयल ऐसे फिर भी लगाना है आपने। तो आप देखें पैन मैंने गर्म होने के लिए भी रख दिया क्योंकि रोजे में टाइम हमारा थोड़ा रह गया, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी बनाने हैं। आप देख लें ऐसे मैंने ऑयल लगा लेना है सारों पे, तो इनको रख देना। उधर हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो हम लोग बीच में डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं हाथ से मैंने बना लिए सीख के बगैर। आप देखें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तो इंशाल्लाह काम हम लोग घर में अपने कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आप सीखा करें अच्छे अच्छे खाने बनाने, खुद ही घर में बनाया करें आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। खुद ही बनाएंगे तो बाहर तो फायदा भी नहीं है, खर्चा भी ज्यादा है, तो लॉकडाउन भी है, तो फिर घर में बनाना सीखें आप लोग। चलें जी, हम लोगों ने सारों को लगा लिया है। तो ये 2-3 मैंने टिक्कियां भी बनाई हैं, इस पे भी मैं ये लगा दूंगी क्योंकि जो मेरा छोटा बेबी है वो टिक्कियां खाता है शौक से,
तो मैंने कहा चलो मैं दो तीन उसके लिए टिक्कियां बना लूं। उसको ये बहुत पसंद है, लंबे वाले नहीं गोल टिक्कियां पसंद है, तो वो ये खाता है। तो चलें जी मैं अभी इसमें पैन में डालती हूँ, आप देखें ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डालने का ही थोड़ा आपने एहतियात करना है कि बड़े आराम से डालें इसको, तो वही आप लोग डालते हैं थोड़ी सी एहतियात कर लें आप लोग डालने के लिए, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं मैं थोड़े थोड़े करके ऐसे ही डालूंगी, फिर इंशाल्लाह हम लोग थोड़े थोड़े करके हम लोग डालते जाएंगे और दो दो मिनट तक इसको हिलाते भी जाना है हम लोगों ने। हल्की आग पे हम लोग बनाएंगे, तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह कीमा ताकि हमारा अच्छा सा गल जाए अंदर से भी सारा। थोड़ा सा हम लोगों ने तेल डाला हुआ, आप देख सकते हैं ज़्यादा तेल नहीं हम लोगों ने डाला। बिस्मिल्लाह हम लोग चेंज करते हैं कि साइड देखते हैं कैसी हो रही है। बिस्मिल्लाह जी व्यूअर्स, तो देख लें आप, हम लोगों ने बड़े बनाए थे क्योंकि ये हो जाते हैं ना, इकट्ठा हो जाता है कीमा है ना, तो ये छोटे हो गए। देखिए कितना साइज है और कितना हो चुका है। तो ऐसे आप लोगों ने लंबे बनाने हैं तो आप लंबे भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। चलेंगे हम लोग बना लें दोबारा, ऐसे ही सारे हम लोग बना लें, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं फाइनल में। ये ऐसे ही हम लोग सारे बना लेंगे जी। तो नाज़रीन देखें हम लोग वापस आ चुके हैं, तो ये जो कबाब हम लोगों ने हाथ से बनाए थे आप देख लें कितने अच्छे माशाल्लाह बने हैं, ऐसे ही लग रहे हैं जैसे बाजार के हैं। तो आप देखें, अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन भी दबाया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।